मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो विषय पढ़ेंगे वो है भारतेंदु योगीन नाटकों की विशेषताएं और प्रसाद योगीन नाटकों की विशेषताएं, यानी कि दोनों ही युगों के नाटकों में क्या क्या विशेषताएं थी वो आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारतेंदु योगीन नाटकों की विशेषताएं। तो इसकी जो पहली विशेषता है वो क्या है, राष्ट्र प्रेम की भावना। देखो बच्चे, जो भारतेंदु युग था उसका समय क्या था, 1857 से लेकर 900 तक का, ठीक है। तो ये वो समय था जब आज़ादी के संघर्ष हो रहे थे, इसलिए भारतेंदु ने अपने नाटकों के माध्यम से भारतवासियों में सोई हुई आत्मशक्ति को जगाने का काम किया और साथ ही राजनीतिक अधिकारों के प्रति भी सचेत करवाया, जिससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का उदय होना तो स्वाभाविक ही था। इसलिए इस युग के रचनाकारों की रचना में देशभक्ति का स्वर भरपूर दिखाई देता है। इसकी जो अगली विशेषता है वो क्या है, जनवादी विचारधारा। भारतेंदु युग का जो साहित्य था वो भारतेंदु युग का साहित्य जो है वो पुराने ढांचे से संतुष्ट नहीं था, यानी कि जो अभी तक नाटकों की पहली जो पुरानी परंपरा चलती आ रही थी भारतेंदु युगीन उससे संतुष्ट नहीं था, इसलिए वो अपने साहित्य में बदलाव लाकर नयापन लाना चाहते थे। इस काल के नाटकों में केवल राजनीतिक स्वाधीनता ही नहीं बल्कि मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे की भावना भी भरपूर दिखाई देती थी। कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि इन्होंने क्या बदलाव किया, एक साहित्य को लेकर ही नहीं अपने नाटक बनाए, इन्होंने उसमें भाईचारा, एकता और समानता को भी भरपूर दिखाई दिया, ठीक है। अगला जो इसकी विशेषता है वो क्या है, हास्य व्यंग की प्रधानता। देखो बच्चों, इस काल के जो नाटककारों की रचनाओं में हास्य व्यंग जो है वो भरपूर पाया जाता है। अंधविश्वास, रूढ़िवादी, छुआछूत, अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, इन सब पर इन्होंने अपनी रचनाओं में जमकर व्यंग किए और व्यंग करने के लिए इन रचनाकारों ने विषय तथा शैली के नए नए प्रयोग भी किए, जो कि इनकी रचनाओं में दिखाई देते हैं, लक्षित भी हैं इनकी रचनाओं में। इन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अपेक्षा पश्चिमी सभ्यता को उच्च बताने वालों के विरुद्ध व्यंग और हास्यपूर्ण रचनाएं तो इन्होंने भरपूर ही लिखी है, ठीक है। अगली इसकी क्या विशेषता है, प्राकृतिक वर्णन। इस युग के जो अधिकांश रचनाकार थे उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रकृति को विशेष रूप से अपनाया है। इनकी रचनाओं के प्राकृतिक वर्णन में श्रृंगारिक भावनाओं की प्रधानता दिखाई देती है। भारतेंदु जी की जो रचना है बसंत होली, इसमें तो भरपूर प्राकृतिक वर्णन दिखाई देता है। ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है प्राकृतिक वर्णन का, ठीक है। अगली जो इसकी विशेषता है वो क्या है, गद्य एवं अन्य विधाओं का विकास। भारतेंदु युग की जो सबसे महत्वपूर्ण देन थी वो क्या थी, गद्य और अन्य विधाओं का विकास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण देन थी इस युग में। इस युग में पद के साथ गद्य विधा भी प्रयोग में आई, जिससे कि मानव के बौद्धिक चिंतन का भी विकास हुआ। इस युग में जितने भी नाटक कहानी रचे गए उनमें इसी विधा का प्रयोग किया गया, यानी कि गद्य और पद दोनों का ही प्रयोग देखा जाता है। अगली जो इसकी विशेषता है वो क्या है, छंद विधान की नवीनता। भारतेंदु ने संगीत को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए ग्राम्य छंदों को अपनाने पर अधिक बल दिया है, यानी कि वो ऐसे छंद अपनाना चाहते थे जो गांव में अच्छे से समझ आ सके और उन्हीं की तर्ज पे वो बनाए गए हो, जैसे कि कजरी, ठुमरी, लावनी, कहरवा, ये गांव के तर्ज पर बने हुए छंद थे, इसलिए इनको अपनाने के लिए उन्होंने विशेष बल दिया। भारतेंदु ने दोहो तथा परंपरागत छंदों के साथ साथ इनका भी जमकर प्रयोग किया। अगली इसकी विशेषता क्या है, भारतीय एवं पाश्चात्य शैलियों का समन्वय। इन्होंने अपने नाटकों में भारतीय शैलियों के साथ साथ पाश्चात्य शैलियों का भी प्रयोग करने का प्रयत्न किया है। इनके नाटकों में भारतीय और पाश्चात्य शैलियों का समन्वय भली भांति देखा जा सकता है। इनका मानना ये था कि अगर हम अपने नाटकों में कोई बदलाव करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ दें। उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति को भी अपने नाटकों में समन्वय रखने का प्रयत्न किया है। आगे हम करेंगे जयशंकर प्रसाद जी के नाटकों की विशेषता, उनके नाटकों की क्या क्या विशेषताएँ थी, ठीक है। तो उनके नाटकों की पहली विशेषता क्या थी, राष्ट्रीयता की भावना।
प्रसाद जी मुख्यतः जो हैं वो ऐतिहासिक नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने अपने जो ज़्यादातर नाटक थे उनकी कथा वस्तु इतिहास से ही ली थी, और ऐतिहासिक नाटक लिखने का जो उनका मुख्य कारण था वो ये था कि वे अपने नाटकों के माध्यम से आज़ादी की लड़ाई के लिए जन समाज को प्रेरित करना चाहते थे। उनका क्या मुख्य कारण था कि जो जन समाज है उनको संघर्ष के लिए, आज़ादी के संघर्ष के लिए प्रेरित करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने नाटकों में ऐतिहासिक नाटकों, ऐतिहासिक जो कथा वस्तु थी उनके ऊपर अधिक बल दिया। इसकी जो अगला जो इनकी विशेषता है वो है नाटकों का रंगमंच। प्रसाद जी का मानना था कि नाटक की जो रचना है वो रंगमंच को ध्यान में रखकर नहीं की जानी चाहिए, बल्कि नाटक के अनुसार रंगमंच की रचना की जानी चाहिए। यानी कि जिस प्रकार का हमारा नाटक है, हमारा रंगमंच उसी तरह से रूपांतरित हो जाना चाहिए। उनका मानना था कि इससे नाटकों में विशिष्टता निर्मित होती है। अगली जो इसकी विशेषता है वो क्या है, नाटकों के संवाद। प्रसाद जी पारसी नाटकों की उर्दू मिश्रित हिंदी से नाटकों की भाषा को छुटकारा दिलाना चाहते थे। कहने का अर्थ क्या है कि जो मिश्रित भाषा थी हिंदी की, जिसमें कि उर्दू भी शामिल थी, उर्दू का जो मिश्रित जो भाषा थी वो अपने हिंदी के नाटकों में वो नहीं लाना चाहते थे। वह नाटकों को साहित्य और रचनात्मक बनाना चाहते थे, इसलिए वे अपने नाटकों के संवाद ऐतिहासिक भाषा को ध्यान में रखकर ही बनाते थे। अगली जो इसकी विशेषता है इनके नाटकों की वो क्या है, पात्रों की संख्या। देखिए बच्चे, जो प्रसाद जी के नाटक होते थे उनमें यह पाया जाता था कि उनमें पात्रों की संख्या बहुत अधिक होती थी। नाटकों में ज़्यादा पात्र होने से क्या होता है कि नाटककार के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनको संभालना। इसके नाटकों में पात्रों की संख्या लेकिन अधिक तो होती थी, लेकिन केंद्र में केवल एक या दो ही पात्र होते थे। यानी कि इतनी संख्या होने के बाद भी लेकिन जो मुख्य पात्र होते थे वो केवल एक या दो ही होते थे। इसमें नाटकों की सफलता इस बात में है कि पात्रों की संख्या अधिक होने के बाद भी नाटक के महत्व को चित्रित करने में ये पूरी तरह से सफल भी होते थे। अगले इनके नाटकों की विशेषता क्या है कि नाटकों में इतिहास और कल्पना का समन्वय। प्रसाद जी के नाटकों में इतिहास और कल्पना का बेजोड़ समन्वय पाया जाता है। इन्होंने अपने नाटकों में इतिहास की प्राचीन घटनाओं के माध्यम से व्यंग रूप में वर्तमान की समस्याओं का चित्रण और समाधान प्रस्तुत किया है। कहने का अर्थ क्या है कि जो आज वर्तमान की समस्याएँ हैं इन्होंने अपने नाटकों में उनका समाधान खोजने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।